हेलो दोस्तों, दिस इज सचिन फ्रॉम एसक्यूएल अपडेट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है जय प्रकाश नारायण एंड टोटल रेवोल्यूशन। जय प्रकाश जी, ये उनकी फोटो है। आप में से बहुत सारे लोग उनके बारे में जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बताता हूँ कि एक बहुत बड़ी हस्ती के बारे में आज आप पढ़ने जा रही हैं। जय प्रकाश नारायण अपने तीन कॉन्ट्रीब्यूशंस की वजह से जाने जाते हैं। उनके तीन मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है। पहला, उनकी जो लड़ाई थी करप्शन के खिलाफ, जैसे आप लोग अन्ना हजारे का नाम जानते हैं करप्शन को लेके, कि भाई करप्शन के खिलाफ किसी ने लड़ाई लड़ी है तो अन्ना हजारे हैं। अन्ना हजारे से पहले और आजादी के बाद अगर किसी ने सबसे पहली लड़ाई करप्शन के खिलाफ लड़ी है तो वो है जय प्रकाश नारायण। दूसरा, ये सोशलिज्म पे बहुत ज्यादा फोकस करते थे, सोशलिस्ट नेता थे उस टाइम के, और इनका फोकस था, इनका जो प्रिंसिपल था वो सोशलिज्म के ऊपर है। सोशलिज्म तो आप लोग जानते हैं, सोशलिज्म का मतलब क्या होता है कि भाई जो भी रिसोर्सेज है उसे बराबर बराबर हर व्यक्ति के अंदर बांटा जाए स्टेट के द्वारा, यही सोशलिज्म है, ठीक है ना। तो सोशलिज्म के एक बहुत बड़े ये कर्ता धर्ता थे, मानते थे सोशलिज्म को, उसके प्रिंसिपल में बिलीव करते थे। और तीसरा, जो टोटल रेवोल्यूशन की इन्होंने बात कही, जो टोटल रेवोल्यूशन के नाम पे इन्होंने क्रांति की पूरे देश के अंदर, उसके लिए ये बहुत ज्यादा फेमस हैं। अब ये टोटल रेवोल्यूशन क्या है, जेपी कौन थे, कैसे थे, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो जयप्रकाश नारायण जो थे वो पहले नेता थे आजादी के बाद जिन्होंने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी करप्शन के खिलाफ, ठीक है। इनके जो आंदोलन था उसके अंदर यूथ ने पार्टिसिपेट किया, खासकर गुजरात में और बिहार में, तो इसका बहुत ज्यादा असर पड़ा, बहुत ज्यादा। और ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले लोकपाल की बात की, और इन्होंने कहा कि एक लोकपाल का ऑफिस होना चाहिए करप्शन के खिलाफ। आप लोगों ने लोकपाल का नाम अन्ना हजारे के आंदोलन में जरूर सुना होगा, जब डिमांड उठती थी कि लोकपाल जो है वो आना चाहिए हमारे देश के अंदर, तो जयप्रकाश नारायण ने तब आवाज उठाई थी। कब की बात कर रहा हूं मैं, ये मैं बात कर रहा हूं लगभग 1970s की। तो 1970s के बाद से अब तक लगभग 2012 तक कोई लोकपाल हमारे देश में नहीं आया था। उसके बाद अन्ना हजारे ने दोबारा आंदोलन किया एक बड़े लेवल पर, जेपी जितना बड़ा आंदोलन उन्होंने खड़ा किया, और फिर लोकपाल की जो मांग है वो दोबारा से उठाई गई, ठीक है। अभी क्या हाल है लोकपाल का वो सब लोग जानते हैं कि सरकार ने लोकपाल बिल तो पास कर दिया लेकिन उसमें से कई तरह के अमेंडमेंट कर दिए, और आज तक हमारे देश में प्रॉपरली लोकपाल का ऑफिस सेटअप नहीं हो पाया है, ठीक है जी। अगर जिनको ये नहीं पता लोकपाल क्या है तो लोकपाल के बारे में कभी वीडियो बना सकते हैं हम लोग। लोकपाल बेसिकली एक ऑफिस है जो करप्शन के चार्जेस को लेके किसी को भी इंस्पेक्ट कर सकता है। इवन इफ वांट ही कैन इन्वेस्टिगेट अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और द चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट। देन उसके बाद क्या, इनका जो प्रिंसिपल था वो सोशलिज्म के ऊपर बेस्ड था, कॉम्युनिटेरियन सोशलिज्म के ऊपर, और ये इंडिया को एज अ सोसाइटी ऑफ कम्युनिटीज देखते थे, क्योंकि सोसाइटी हमारी इंडिया में बहुत तरीके की कम्युनिटीज रहती है, और उनका मानना था कि इंडिया जो है उसके अंदर तीन लेयर्स हैं, एक कम्युनिटी, कम्युनिटी के ऊपर रीजन, रीजन के ऊपर राष्ट्र। जैसे अगर कम्युनिटी की बात करें तो सपोज जैसे राजस्थान के अंदर एक मारवाड़ी कम्युनिटी है, ठीक है, तो कम्युनिटी क्या हो गई, मारवाड़ी हो गई। रीजन कौन सा हो गया, सपोज उदयपुर हो गया, है ना, या राजस्थान हो गया, और राष्ट्र क्या है, इंडिया हो गया। तो इन तीन चीजों से इनका मानना था कि देश तैयार होता है और एक ट्रू फेडरेशन जो है वो तैयार होती है। देन आगे बढ़ते हैं, जयप्रकाश नारायण जो हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत ज्यादा बिलीव रखते थे। उनका मकसद था कि चीजों में बदलाव लाना, इंडिविजुअल में, सोसाइटी में, स्टेट में, और वो कैसे लाया जा सकता है, उसके लिए इन्होंने नारा दिया था टोटल रेवोल्यूशन, जिसे हिंदी में संपूर्ण क्रांति भी कहती हैं। इस साल 2020 में केबीसी में भी क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा गया था कि संपूर्ण क्रांति का जो नारा है वो किसने दिया था, तो टोटल रेवोल्यूशन यानी संपूर्ण क्रांति का नारा जय प्रकाश नारायण ने दिया था। जब ये बात करते हैं टोटल रेवोल्यूशन तो उसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मोरल, कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एजुकेशनल, इकोलॉजिकल, हर तरह का बदलाव जितना भी संभव है, हर तरीके का एक बड़ा बदलाव देश में होना चाहिए, उसको ये टोटल रेवोल्यूशन कहते हैं। इसमें इन्होंने एक बात कही थी राइट टू रिकॉल, राइट टू रिकॉल जिनको नहीं पता मैं बता देता हूं राइट टू रिकॉल क्या है। राइट टू रिकॉल का मतलब होता है सपोज आप किसी नेता को 5 साल के लिए भेज चुनते हो, ठीक है, अब 2 साल के अंदर ही हमें पता चल गया भाई इसके बस की काम करना नहीं है। तो जयप्रकाश नारायण का कहना था कि अगर 2 साल में आपको पता चल गया तो कुछ ऐसा
प्रावधान होना चाहिए, कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिसके जरिए वो जो लोग हैं, वो जो जनता है, उसे 5 साल इंतजार ना करना पड़े। अगर वो चाहे तो उस पर्सन को 2 साल में ही रिकॉल कर सकती है, वापस बुला सकती है और दोबारा से उस एरिया में इलेक्शन करवा सकती है। इसे कहा गया राइट टू रिकॉल। इसके अलावा जो जयप्रकाश नारायण थे, उन्होंने विलेजेस पे बहुत फोकस किया, मोहल्ला समिति पे फोकस किया। उनका मानना था कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसी भी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के अंदर। उनका मानना था कि जो लोग सरकार में काम करते हैं, जो लोग ईमानदार लोग हैं, ठीक है ना, सोसाइटी के अंदर, उन लोगों को पॉलिटिक्स के अंदर आना चाहिए और पॉलिटिक्स को साफ करना चाहिए। इसके अलावा जो जयप्रकाश नारायण है, उन्हें एक ऐसा, उन्हें माना जाता है कि उनका जो जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कहां से शुरू होगा। ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो इंसान से शुरू होगा, मैन से शुरू होगा, ठीक है जी। और मैन जो है वही असली रियल कैटलिस्ट है। अगर आप भारत को बदलना चाहते हो तो, यानी कि अगर आप भारत को बदलना चाहते हो तो उसके लिए जरूरी है कि पहले इंडिया की सोसाइटी को बदला जाए। अगर इंडिया में हर व्यक्ति बदल गया तो इंडिया अपने आप बदल जाएगा। ऐसे महान व्यक्ति थे जयप्रकाश नारायण। कभी इसके बारे में डिटेल में लेक्चर जरूर दूंगा कि जयप्रकाश नारायण ने क्या क्या किया था, क्या नहीं किया था। एक बहुत बड़ा आंदोलन उन्होंने खड़ा किया था उस टाइम पे, और इंदिरा गांधी को सीधी चुनौती दी थी जब इन्होंने कहा था कि सिंहासन खाली करो और जनता आती है। और डायरेक्ट इनकी जो चुनौती थी वो इंदिरा गांधी से थी, इंदिरा गांधी के रूल से थी। और इन्हें इमरजेंसी के दौरान इन सबको अरेस्ट भी कर लिया गया था, ठीक है। और उसके बाद जब इमरजेंसी से बाहर आए तो जयप्रकाश नारायण का आंदोलन और बड़ा हुआ और इंदिरा गांधी को अपनी सीट छोड़नी पड़ी। फाइनली एक प्रधानमंत्री, पहली बार ऐसा हुआ देश में कि कांग्रेस का कोई प्रधानमंत्री अपनी सीट से हारा था। तो अपनी सीट से हारने का मतलब है कि देश भर में वो हार गया था, लोकसभा इलेक्शन जो है वो उनकी सीटें कम आई थी और एक नई सरकार बनी थी, दैट इज कॉल्ड जनता गवर्नमेंट। तो ये था जयप्रकाश नारायण का कमाल इंडिया के अंदर, तो इसलिए इन्हें याद किया जाता है। बाकी इसके बारे में और डिटेल्स हैं बहुत सारी, वो हम कभी और दोबारा शेयर करेंगे, बट फिलहाल आपके जो जानने के लिए है वो इतना ही है जयप्रकाश नारायण के बारे में। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है और आप लोग अगर चाहते हैं कि भाई हम लोग इसी तरह से काम करते रहे तो हमें थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। दिस वॉज सज्जन बंसल साइनिंग ऑफ।